हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली इंडिया से पार्सल आया है, जैसे कि आपने कैप्शन में देखा ही है। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना इसको शूट करने के लिए कि मैं बता नहीं सकती। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी और फाइनली मम्मी ने भेजा है ये पार्सल किसी के थ्रू। हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके थ्रू आया है। तो दो बार में हमने ये चीज़ मंगवाई है, दो अलग अलग मतलब पर्सन है वो लेकर आए हैं। सो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सो दिखाती हूँ मैं क्या क्या आया है। ये भेजा है मम्मी ने मेरा सूट, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा है। तो और मम्मी ने हाथ से बनाए हुए लड्डू भी भेजे हैं, ये उन्हें पता है बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे और मतलब हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो उन्होंने बड़े प्यार से भेजे हैं। और ये हैंकीज़ भेजे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें आती हैं। हम यहाँ से चाहे कितना भी ख़रीद लें, लेकिन घर से आई हुई चीज़ों का ना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ उसकी खुशी क्या होती है। और हैंकीज़ के साथ साथ मम्मी ने मतलब सभी के लिए हैंकी भेजे हैं, और हस्बैंड के, मेरे, बच्चों के लिए, और बच्चों के कपड़े भी भेजे हैं। बेटा तो इतना खुश हो रहा है कि देखो अपने वो टी शर्ट्स वगैरह मतलब निकाल निकाल के दिखा रहा है बार बार कि मम्मी इसको भी देखो, मम्मी इसको भी देखो। और ये उसकी जीन्स है, बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे। मतलब ऑब्वियसली ये जब हम लोग इतना खुश होते हैं, मम्मी पापा देते हैं ये चीज़ें। और मम्मी ने एक नेकलेस भी भेजा है छोटा सा, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो इसको भी मैंने शूट कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अलग ही खुशी मिलती है। कुछ बुक्स भी मैंने इन लोग के लिए मंगवाई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। और ये मेरी बेटी के लिए भेजा है मम्मी ने, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मतलब मैं पूरा ही मतलब मैं शूट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतने प्यारा है। मतलब चाहे हम बाहर मतलब कंट्रीज़ में कुछ भी ख़रीद लें, कुछ भी ले लें, लेकिन जो घर से आई हुई चीज़ें होती हैं ना, उनका तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मतलब अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। और ये फीलिंग जो होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ वो समझ सकते हैं जो लोग ऑलरेडी अपने घर से दूर हैं, बहुत दूर रह रहे हैं। और जब उनके पास ये चीज़ें पहुँचती हैं ना, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर वापस आ गए हैं। कुछ चीज़ें मम्मी ने मतलब जैसे ये भी भेजे हैं, बिछुए भी भेजे हैं मेरे, मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगती हैं। लाइक मतलब जब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें शायद इतना ना लगता नहीं है इन चीज़ों के लिए कि नहीं कुछ ज़्यादा आ गया है, लेकिन जब आप दूर रहते हैं और आपके लिए कोई चीज़ आती है ना, तो आप उसकी वैल्यू को ना मतलब समझ नहीं सकते हैं कितनी मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अभी मेरे साथ यही हो रहा था, मैं ना एक चीज़ को पता नहीं कितनी बार देख रही थी, कितनी बार मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ मैं दूसरा पार्सल खोल रही हूँ जो मतलब मम्मी ने भेजा था। और इस पार्सल में ना मम्मी ने मेरी पुरानी साड़ियाँ दी हैं जो मेरी रखी हुई थी, मुझे मंगवानी थी एक्चुअली। और इसमें नए ये कान्हा जी के कपड़े हैं और उनका आसन है, और साथ में मम्मी ने नया मेरा चूड़ियों का नहीं बैंगल सेट दिया है। बैंग और कान्हा जी की भी दो तीन ड्रेसेस हैं आई थिंक, हाँ दो तीन ड्रेसेस थी। और बहुत सारा मतलब इतना सामान दिया है ना, मैं अपनी खुशी को ना मैं बता नहीं सकती हूँ एक चीज़ में कि मतलब मैं कितनी खुश हो रही थी इन सब चीज़ों को देखकर। और यहाँ भेजी है मम्मी ने चूड़ियाँ, सावन चल रहा है तो सावन में मतलब मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पहननी। वो सुंदर सुंदर कलर्स दिए हैं मम्मी ने अलग अलग, पर मैंने प्लेन ही मंगवाई थी तो मुझे प्लेन ही अच्छी लगती है। और ये स्विस ब्यूटी की एक लिपस्टिक मेरी जेठानी ने दी है, थैंक यू दीदी, बहुत प्यारा कलर दिया उन्होंने चूज़ करके। और ये कड़े दिए हैं मेरी फ्रेंड ने, लाख के कड़े हैं, बहुत सुंदर हैं, थैंक यू पूजा। और आज मेरी बेटी कर रही थी कुकिंग तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेती हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना मतलब लगता है कि ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। देन आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और मोस्टली ना मतलब हम लोग जैसे ओट्स वगैरह बनाते हैं, मसाला ओट्स बनाते हैं, तो उसमें मतलब नॉर्मली घर में जो बनाया हुआ मसाला ओट होता है वो खाते नहीं है लोग, मतलब पसंद नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। इसमें मैंने मतलब सारी सब्जियाँ चॉप करके उनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में ना जैसे बच्चे चुकंदर नहीं खाते हैं, बीटरूट मतलब बहुत कम पसंद करते, तो आप ना बीटरूट को भी कस के या उसे बहुत बारीक चॉप करके डाल सकते हो, तो बच्चों को ना पता ही नहीं लगेगा जब आप इसको बनाओगे अच्छे से फ्राई करके। और साथ में ना ओट्स के साथ ही इसको मतलब बनाइए। और मैगी मसाला मतलब मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली, इसमें मैगी मसाला मैं डाल लेती हूँ, तो उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मसाला और जो रेडीमेड आता है वो ही वाला मतलब खाएं, जो मतलब रेडी टू ईट वाला होता है। आप घर में भी इसको बहुत अच्छे से मसाला उसको बना सकते हैं बच्चों के लिए, और एक हेल्दी फूड मतलब रेडी हो जाता है। और बाकी तो यह है कि आप एक बार ट्राई करिए बीटरूट के साथ, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बनता भी बहुत टेस्टी है, एक बार तो ट्राई करना बनता है।
सो गाइज, आज के व्लॉग में यही खत्म कर रही हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। बस मैंने यही कोशिश की है कि मैं जो मुझे खुशी मिली है, जो पार्सल मिला है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और साथ साथ अपनी कुकिंग भी, क्योंकि ना बच्चे बहुत दूर भागते हैं पौष्टिक चीज़ों से। बस मैं सिंपल से तरीके से उन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ। मे बी मेरे व्लॉग से आपको भी कोई हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।